मैं डॉक्टर अमृता चौहान हूँ। मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, 0 से 3 4 माह की उम्र तक के, उनमें एक सबसे कॉमन समस्या होती है नाक बंद होना। वो बहुत कॉमन है और उसके लिए हमें इलाज करना पड़ता है। यदि निमोनिया है, सांस खांसी सर्दी के साथ सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो एक समस्या है। कुछ खाते समय अटका लेते हैं बच्चे, सडन ऑनसेट अगर हो रहा है तो वो एक फॉरेन बॉडी वाली समस्या, सांस लेने में दिक्कत होती है। एक दमा की शिकायत होती है जो कि किसी नॉन एलर्जन या सांस लेने में दिक्कत, सडन ऑनसेट एस्थमा की तरह प्रेजेंट करती है। छोटे बच्चे बोल तो सकते नहीं है, हमें उन्हें देखना ही पड़ता है। सबसे कॉमन होता है कि यदि सांस लेते समय आवाज आ रही है, साउंड सर सर का जो साउंड होता है, यदि वो आ रहा है तो वो इस लेवल पे ब्लॉकेज बताता है कि वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के लेवल पे ब्लॉक कर रहा है, तो वहां से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। यदि खांसी हो रही है और वो साउंड कंस्ट्रिक्टेड आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कूकर खांसी की तरह होती है, वो साउंड एक हमें सजेस्ट करता है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है। यदि सीवियर केसेस होते हैं तो छाती में तेज तेज चलना या पसली चलना जिसे कहते हैं, छोटे बच्चों में छाती में गड्ढे पड़ते हैं, जैसे लोकल लैंग्वेज में पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं, नीलापन, बेहोश, कई बार सांस तेज चलने के साथ साथ बच्चे बेहोशी की स्थिति में बहुत तेज पसीने के साथ आते हैं, ये एक कॉमन लक्षण होता है। ऐसी स्थितियों में तुरंत बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहिए। सबसे कॉमन जो कारण होता है वो तो नाक ब्लॉक होने से ही होता है, छोटे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें। उसके अलावा यदि तेज बुखार और खांसी के साथ हुआ है तो निमोनिया एक कारण हो सकता है। एक और रीजन होता है ब्रोंकियोलाइटिस, जो कि वायरल इलनेस के बाद होता है और उसकी वो हमारे जो सांस लेने की नली है उनको छोटा कर देता है, थोड़ा सिकोड़ देता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। उसके अलावा यदि बच्चे ने कुछ तुरंत खा के, खेल रहा है बच्चा और कुछ छोटी चीज या दाना या मूंगफली का दाना या चना या ऐसा कुछ चीज के साथ खेल रहा था और उसने अटका लिया, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत आई है, तो ये भी काफी कॉमन होता है। सांस लेने में यदि किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, वो एक गंभीर समस्या है। ये जब सांस नहीं जा रही है तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन का सिर्फ यही एक सोर्स है। यदि सांस नहीं जा रही है तो हमारे लंग्स बॉडी में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे और ब्रेन को भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, हार्ट के मसल्स को भी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ब्रेन को यदि ऑक्सीजन की कमी हुई तो बच्चा बेहोश हो सकता है, कई बार सीवियर केसेस में झटके भी आ सकते हैं उस बच्चे को। तो इस चीज के लिए तो हमेशा गंभीर ही माना जाना चाहिए इस लक्षण को। सबसे पहले हमें बच्चे को एग्जामिन करना होगा। यदि नाक के लेवल पे ब्लॉकेज है तो हमें साउंड सुनना होगा, उसके दोनों लंग्स में एयर बराबर जा रही है कि नहीं वो हम स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। यदि उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो हम ब्लड टेस्ट या चेस्ट एक्सरे की मदद ले सकते हैं, और यदि और भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है तो हम सीटी स्कैन की हेल्प लेते हैं कि बच्चे में किस लेवल पे लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है। यदि माइल्ड है बच्चे में, ज्यादा सीरियस नहीं है, थोड़ी गति थोड़ी ही तेज है, बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू नहीं है बच्चा, मतलब नीलापन नहीं है बच्चे में, तो हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ सर्दी खांसी ट्रीट करना है तो हम ओरल मेडिसिन दे बच्चों को, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। थोड़ा बहुत नेबुलाइजेशन एक तरीका होता है जो सांस लेने के लिए, जिसे हम आम भाषा में भाप देना बोलते हैं, दवाई की भाप देना, वो दे सकते हैं हम। यदि गंभीर समस्या है तो हमें बच्चे को तुरंत एडमिट करना है, ऑक्सीजन देना है, आईवी एंटीबायोटिक्स देने या आईवी स्टेरॉइड्स, या जो भी बच्चे को कितना सीवियर कितना गंभीर समस्या है उस पे बेस्ड हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता कि उन बच्चों के लिए नॉर्मल क्या है। जैसे हम बड़े हैं, हम अडल्ट हैं, हम 1 मिनट में 20 से 25 मिनट सांस का प्रति मिनट सांस लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो 50 से 60 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, जो कि उनके लिए नॉर्मल है जब वो पैदा हुए हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये रेट कम होता जाता है,
पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि बच्चा तेज सांस ले रहा है, तो सबसे पहले तो यदि सिर्फ वो 50 से 60 बार 1 मिनट में सांस ले रहा है तो वो नॉर्मल है उस बच्चे के लिए। लेकिन यदि सांस लेते समय आवाज आए या छाती में गड्ढा पड़े, हाथ पैर या उसकी जबान नीली पड़ रही है, तब हम उसे एबनॉर्मल मानेंगे। यदि खांसी तेज बुखार के साथ सांस तेज चल रही तो हम उसे एबनॉर्मल मानेंगे। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसका रेट घटता जाएगा। यदि वो 0 मंथ्स का बच्चा है तो 60 तक हम नॉर्मल मानेंगे, 1 साल तक का बच्चा है तो हम 40 तक नॉर्मल मानेंगे, उसके बाद हम बड़े हो जाते हैं तो हम 20 से 25 को ही नॉर्मल मानेंगे। जिन बच्चों में हम देखते हैं कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बार 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 समस्या आती है, जो रिस्क फैक्टर्स है जो ये चीजों को कारण होते हैं, मोस्ट कॉमन होता है कि यदि आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को सांस लेने में दिक्कत रही हो, अस्थमा की शिकायत रही हो, तो बच्चों में भी होने के काफी अप टू 50% चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी हो सकता है। दूसरा, जो बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं या समय से पहले पैदा होते हैं, जैसे कि 1.5 किलो से कम उनका जन्म का वजन था या 9 महीने से पहले पैदा हो गए, उनके लंग्स अभी मच्योर नहीं हुए होते हैं इस बाहर लाइफ के लिए, तो उस केस में उनके सांस लेने में दिक्कत की रिस्क काफी बढ़ जाती है। जो बच्चे बेड रिडन होते हैं, जो एक्टिविटी नहीं कर पाते, जिन्हें लेटे रहना पड़ता है, जैसे पैरालाइज हो गए किसी कारण से या उनको सेरेब्रल पाल्सी है, वो चल नहीं पा रहे हैं, उस केस में निमोनिया की रिस्क काफी बढ़ जाती है। यदि बच्चा कुपोषित है, उसका वजन काफी कम है, तो उसकी इम्यूनिटी भी कम हो, उस केस में उसका इन्फेक्शन का रिस्क काफी बढ़ जाता है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे अगर कुपोषित होते हैं तभी वो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं। और यदि जन्मजात कई जिसे हम कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस बोलते हैं, जो शरीर की बनावट ही गलत होती है जन्मजात, उन केसेस में काफी दिक्कतें होती है बच्चे को। हम बेसिकली जो सबसे छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न्स हैं, उन्हें हम तेज हवा से बचाएं, उनके कान ढक के रखें, उनकी बॉडी ढक के रखें, उन्हें गीले में ना रहने दें, ये एक सबसे जरूरी चीज है। दूसरा, बड़े बच्चे थोड़े होते हैं, उन्हें साफ सफाई का ध्यान रख पाए, हाइजीन मेंटेन कराएं, उन्हें दूसरे इन्फेक्टेड बच्चों से दूर रखें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टीकाकरण। सरल सा उपाय है, आपको टीका लगवाना है, उसके बाद जिंदगी भर बच्चा उससे बचाव रहेगा। निमोनिया के टीके होते हैं जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार गवर्नमेंट भी लगाती है और बाहर भी लगते हैं। इन्फ्लुएंजा या फ्लू का टीका जो कि ईयरली रिपीट करना होता है, ये आपको मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, कॉमन फ्लू जो वायरस होता है, उसके कारण होने वाले सांस में लेने वाली दिक्कतों से बचाता है आपको। ये टीकाकरण तो आपको तुरंत ही कराना चाहिए, यदि आपके बच्चे का नहीं हुआ होता है तो आप तुरंत कराएं इसको। और ये बेस्ट मेथड है आपके बच्चे को मैक्सिमम रीजन ऑफ सांस लेने की दिक्कत से बचाने के लिए।